यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। धर्मशाला में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने जानकारी देते हुए बताया है कि राहुल गांधी की चंबी में होने वाली रैली में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का आना अभी निश्चित नहीं है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और प्रदेश स्तर के नेता रैली में भाग लेकर कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की 7 मार्च को रैली में 40,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। किशन कपूर ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है और कांग्रेस को अपना कुनबा संभालना चाहिए। इस पर कुलदीप राठौर ने कहा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और पार्टी एकजुट है। 7 मार्च को राहुल की रैली होगी, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का ये बयान भी सामने आया है, और चुनावों को देखते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये रैली रखी जा रही है। हालांकि अभी तक ये जानकारी मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री इस रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन पूरी तैयारियां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कर दी गई है। आज हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है कांगड़ा जिला के, जिसमें हमारे पार्टी के पूर्व मंत्री श्री जी एस वाली जी, श्री सुधीर शर्मा और पार्टी के हमारे जो अभी वर्तमान में विधायक, पूर्व विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे अग्रणी संगठनों के जो प्रमुख है वो यहाँ शामिल हुए। और 7 तारीख को लेकर जो राहुल जी की यहाँ जनसभा होनी है, उस विषय में हमारी विस्तृत रूप से चर्चा हुई और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सब की तरफ से सबको निर्देश दिए गए कि इस जनसभा की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सब अपने अपने क्षेत्रों से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जो है जनसभा में जुटाने का प्रयास करें। राठौर जी क्या बोलते हैं कि उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और अभी आपने देखा होगा कि जब से मैं पार्टी में अध्यक्ष बनाऊँ, कोई गुटबंदी नहीं है, कोई अनुशासनहीनता नहीं हो रही,